सबसे पहले इस मंझौल की धरती पर नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों नहीं सरकार चलेगी, यही नहीं सरकार चलेगी, 24 लोकसभा के चुनाव में भी अधिक से अधिक हम सीट लेंगे और 25 के चुनाव में भी दोनों साथ मिलकर चलेंगे। सरकार तो चलना तय है और बहुत अच्छा से अच्छी से सरकार चलेगी। क्या आपको लगता है कि अभी बिहार में जदयू और राजद के गठबंधन में सरकार है, बीजेपी का कहना है कि अपराध भरेगा, योजनाएं नहीं होगी, इसका विकास नहीं होगा, क्या आपको लगता है? अरे बीजेपी वाले, उनको शर्म कीजिए, जो आपने जो कारनामा किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, एक इंग्लिश में कहावत है, इल गॉट इल स्पेंड, जैसे को तैसे, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने कभी सोचा महाराष्ट्र के राज के बारे में? आपने कभी सोचा मध्य प्रदेश के बारे में? आपने कभी सोचा राजस्थान के बारे में? आपने कभी सोचा बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बारे में? वो तो आप ही किए हैं ना, उद्धव ठाकरे के सरकार के तोड़ने का काम आपने किया है, कमलनाथ का बहुमत का सरकार आपने तोड़ने का मध्य प्रदेश में काम किया है, राजस्थान में आपने काम किया है, क्यों नहीं चलेगा? आप संभल जाइए, 2024 की लोकसभा में बीजेपी वालों जितने भी हैं, आप संभल जाओ कि आपकी सरकार कहीं से बनने जा रही है, सत्ता परिवर्तन होगी। भारत के 130 करोड़ जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि आपने केंद्र में रहकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब आपने किया है, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक। ये कहाँ है, अब 1947 के आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने कोई खाद्यान्न पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगाया है। आप इतिहास उठा के भारत के देख लो, 1947 के बाद से, जब भी आजादी के बाद से देश में प्रधान, अरे 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं, चावल, दाल, आटा, तेल, प्याज, नमक, ये गरीब गुरबा भी खरीद के खाते हैं जिनको खेत नहीं है, वो जीएसटी टैक्स देगा कहाँ से देगा? सर, रोजगार की लेकर को लेकर बात की जा रही है, तो बिहार में क्या रोजगार की संभावना हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो आपकी आरजेडी है, उन्होंने 10,000 रोजगार देने का वादा किया था। देख लीजिए नीरज जी, मैं इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हूँ, एक सीए भी हूँ, एमबीए भी किया हूँ, और मैं 2000 ईस्वी से आज तक उद्योग स्थापने के लिए बेरोजगारों के लिए प्रोत्साहित मैं कर रहा हूँ, हजारों इकाई मैं बिहार में लगा दिया हूँ, बेलदौर में लगा दिया हूँ, शेखपुरा में लगाया हूँ, भागलपुर में लगाया हूँ, बांका में लगाया हूँ, समस्तीपुर लगाया हूँ, बेगूसराय लगाया हूँ, अन्य जिलों में। यहाँ तो कृषि आधारित इतनी रोजगार की संभावना है जिसका आप आंकड़ा नहीं आप दे सकते, आकलन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी सरकार बनी है, मेरे प्रतिपक्ष ने, मेरे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी ने 2020 के आम विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि मेरे जब मेरी सरकार बनेगी तो कैबिनेट का पहला कलम 10,00,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे और आने वाला बेरोजगारों का सुनहरा अवसर है। धीरे धीरे अब 10,00,000 है कि 10,00,000 हम धीरे धीरे रोजगार हम करें, यहाँ एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री लगाया जा सकता, मक्का पर आधारित उद्योग, गेहूं पर आधारित उद्योग, सरसों पर आधारित उद्योग, यहाँ पर उद्योग लगाया जा सकता है, हस्तचरघा उद्योग लगाया जा सकता है, यहाँ तो उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।